हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है नोइंग अवर नंबर्स। तो ये है क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम लोग सीखेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। यह है इंडियन सिस्टम, यह है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग नंबर्स को बोलते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ नंबर्स लिख देती हूँ। तो इंडियन सिस्टम में हम इस नंबर को बोलेंगे 12,45,79,678। और इस नंबर को हम लोग इंटरनेशनल फॉर्म में बोलेंगे 123,567,896। इंडियन फॉर्म और इंटरनेशनल फॉर्म को मैं वापस से एक बार समझा देती हूँ। इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इंडियन सिस्टम में 12,45,79,678। इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर को बोलेंगे 123,567,000 896। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 1,00,000 = 10,000। तो इसमें पूछा है 10,000 कितना, 10,000 मिला के 1,00,000 बनता है। तो हम लोग रेफरेंस के लिए ये वाला ही चार्ट ले लेंगे। यहाँ आता है 10,000, क्वेश्चन 1 में यहाँ दिया है 10,000। तो ये है 10,000, यहाँ पे है 10,000 और यहाँ पे है 1,00,000। तो इसमें पूछा है कितना 10,000 मिला के 1,00,000 बनता है। तो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे लैक है, मतलब 10,000 मिला के 1,00,000 बनता है। तो यहाँ पे आ गया 10, मतलब 10,000 = 1,00,000। अब बी में दिया है 1,000,000 = 100,000। 1,000,000, मिलियन है, इट मीन्स ये इंटरनेशनल का है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में दिया है। 100,000, 100,000 मतलब यहाँ पे, और 1,000,000 इसका मतलब पूछा है कितना 100,000 बना के 1,000,000 बनता है, मतलब 10,100,000 बना के 1,000,000 बनता है। तो यहाँ पे आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1,00,000 = 10,00,000। कितना 10,00,000 बना के, कितना 10,00,000 में 1 करोड़ बनेगा। तो 10,00,000 है यहाँ पे, 1 करोड़ है यहाँ पे। 10 करोड़ मिला के 1,00,000 1 करोड़ बनता है। तो यहाँ पे 10,00,000 = 1 करोड़ बना। उसके बाद दिया है 1,00,000 = 1,000,000। इसका मतलब ये इंडियन फॉर्म में दिया है, ये इंटरनेशनल फॉर्म में दिया है। यहाँ पे है मिलियन, यहाँ पे है करोड़, इसके नीचे है ये वाला। तो इसका मतलब हुआ मिलियन, ये है 1 करोड़, मतलब 10,000,000 बना के 1 करोड़ बनता है। 10,000,000 में 1 करोड़ होता है। 1,000,000 = 1,00,000, मतलब यहाँ पे भी ये इंटरनेशनल है, ये लैक है, इंडियन है। तो यहाँ पे ये है मिलियन वाला 1,000,000, और जबकि यहाँ पे है 1,00,000। तो यहाँ पे 10,00,000 बना के 1,000,000 बनता है। वैसे अगर दिया रहेगा
वैसे ही कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर 1 करोड़ इक्वल टू डैश लैक, यहाँ पे टेन 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 वाला है इसलिए हमने इजीली कर दिया उसको। अगर दिया रहेगा 1 करोड़ इक्वल टू डैश लैक, मतलब यहाँ पे है 1 करोड़, यहाँ पे है लैक, मतलब कितना लैक्स बनके, कितना लैक्स में 1 करोड़ बनेगा, मतलब फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा। इट मींस ये 10, ये 100, ये 10, मतलब टोटल 100, 100 लैक्स जब होता है तब 1 करोड़ बनता है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में दिया है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। क्वेश्चन नंबर ए ए में दिया है 73,75,307, यह है इंडियन फॉर्मेट में, तो हम लोग रेफरेंस के लिए ये चार्ट ले सकते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए हम लोग ये चार्ट लेते हैं। अब इधर दिया है 73 लाख, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 73 लाख, इसका मतलब यहाँ पे लाख वाला है, ये हुआ 73 लाख, 75,000, 75,307, ये हुआ 307, 307। तो कॉमा जब लगता है तब लैक्स खत्म होने के बाद कॉमा एक लगेगा, 1,000 खत्म होने के बाद एक कॉमा लगेगा, इसका मतलब हुआ 73, 73, 75, क्योंकि यहाँ 1,000 खत्म हो रहा है, उसके बाद 300, 307, 73 लाख, 73 लाख, 75,000, 75,307, 307। तो बी में आगे करते हैं। बी में दिया है 9,07,41, 9 करोड़, मतलब यहाँ पे 9 करोड़, 5 लाख, 5 लाख, यहाँ पे लाख है तो यहाँ पे 5 पुट हुआ, 9,05,41, 41 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 41 हुआ। बाकी जहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, तो ये हुआ 9 करोड़, करोड़ यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, 9,05,00,000, मतलब 0,05, 9,05,00,000, लैक खत्म हुआ मीन्स कॉमा लगाया, 9 करोड़, 9 करोड़, 5 लैक, 5 लैक, उसके बाद दिया है 41, 41, तो बाकी कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट होगा, 1,000 का कंप्लीट हुआ 41, मतलब 9 करोड़, 9 करोड़, 5 लैक, 5 लैक, 41, 41। तो वैसे ही हम लोग सी में आएंगे, अब सी का करेंगे। तो मैंने पहले वाले नंबर से चार्ट से मिटा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो अब हम करेंगे सी। सी का दिया है 7 करोड़, 7 करोड़, इट मींस 7 करोड़ में मैंने 7 लिखा, 7 करोड़, 52 लाख, 52 लाख, 7 करोड़, 52 लाख, 21,000, 21,302, 302। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 करोड़, 7 करोड़, कॉमा 52 लाख, 52 लाख, कॉमा अब 1,000, 21,000, 21,000, कॉमा 302, 302। अब चलते हैं डी में। डी में देखिए मिलियन क्या दिया है, इट मीन्स ये इंटरनेशनल का है, 58 मिलियन, 58 मिलियन,
423,000, 423,000, 202, 202. It means 58 million, 58 million, million माने comma. 423,000, 423,000 मतलब comma. 202, 202. अब ये खत्म हो गया. अब चलते हैं ई में. ई में दिया है 23,30,010, 23 लाख मतलब यहाँ पे 23,30,000, 30,000, 10, 10 मतलब यहाँ पे दिया है आपको 10 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0. तो 23 लाख, 23 लाख कॉमा 30,000, 30,000, 10 मतलब 0, 10. ये हो गया आपका कॉमा पुट करके और हमने नंबर्स को भी लिख दिया. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट कॉमास सूटेबली, मतलब आपको इंसर्ट करना है कॉमा, इस नंबर जो दिया है इसमें इंसर्ट करना है, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. और आपको कॉमा इंसर्ट करने के बाद उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है. अब ये नंबर दिया है आपको 8795-95762, तो इस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. ये वाला मैं मिटा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ये क्वेश्चन में अगर आपका प्रैक्टिस हो गया है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. इनकेस आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो हम लोग ये चार्ट से भी बना लिख सकते हैं. तो ये वाला चार्ट से हम लोग पीछे से नंबर शुरू करेंगे. यहाँ दिया है 2, तो 2, 6, 7, 5, 9, 5, 7, 8. तो कॉमा लगाना है. यहाँ पे करोड़ का खत्म हो रहा है मतलब यहाँ पे एक कॉमा लगेगा. 75 लाख मतलब यहाँ पे एक कॉमा लगेगा. 95,000 मतलब यहाँ पे एक कॉमा लगेगा. तो इसको बोलेंगे 8,75,95,762. तो वही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो ये हुआ कॉमा में मैंने पहले ही डाल दिया है इसको, नहीं तो मैं वापस से लिख देती हूँ 8,75,95,762. इसको इंडियन फॉर्मेट में लिखती हूँ 8 करोड़ 75 लाख यहाँ पे लाख होगा. 8,75,95,000 थाउजेंड 762 62. वैसे ही हम लोग बी सी डी कर लेंगे. मैं ये 5, 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3 मतलब ये हुआ 3, ये हुआ
46,085। तो ये हो गया 85 85 लाख 85,46,283। वैसे ही सी डी मैं करती हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए सी डी और देखिए ये करेक्ट होता है कि नहीं। आई होप आपने ये कर लिया होगा। आगे आगे सी का मैं बताती हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। 9 करोड़, इसका मतलब 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख, यहाँ है 46, इट मीन्स ये वाला होगा 46। तो ये भी आप डी में फर्स्ट कॉमा में पुट कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए, और क्वेश्चन में भी पूछा है कॉमा में। तो यहाँ पे 9, ये हुआ 9 करोड़, ये हुआ 84 लाख, ये हुआ 32,000, ये हुआ 701। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन है, बट इसमें दिया है आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। जैसे कि हमने ऊपर इंडियन सिस्टम में किया, वैसे ही हमको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे लिखकर आपको समझाती हूँ। ए में दिया है 7892109 2, ये वाला फर्स्ट आप पीछे से लिख दीजिए, 2901297 7892109 2। तो इसको फर्स्ट कॉमा में हमको पुट करना है, पहले नंबर्स हमको लिख देना है। तो आप नंबर्स लिख दीजिए कॉमा में पुट करने के लिए। इन तीनों के लिए यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, फिर 921 इसके आगे एक कॉमा लगेगा। तो ये हुआ 78,78,921,092। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 78,921,000। तो 921,000, उसके बाद 92 टू। वैसे ही बी सी और डी हमको कर बी सी और डी हमको करना है। तो ये एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं यहाँ पे आंसर अपना लिखती हूँ, तब मैच करिएगा कि सेम आता है कि नहीं। तो वैसे ही आपका प्रैक्टिस होगा। तो फर्स्ट अगर आपका ना पूरा अच्छे से कंफर्म नहीं है तो आप ये चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको इजी हो करने में। तो आप एक बार बी सी डी खुद कर कर ट्राई करिए। तो बी का है 7,452,283। सी का है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है और वो चार्ट बनाने में बार बार प्रॉब्लम होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे आप कॉमा पुट करेंगे
फिर यहाँ 3 नंबर छोड़ेंगे, यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, तो ये हुआ 99,985,105,102। तो अब डी क्वेश्चन में भी तीन तीन नंबर लिख के आपको कॉमा, आपको ये वाला स्टार्ट पीछे से पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है, उससे पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर 3 नंबर, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये हुआ 48,49,831। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और वैसे ही मैं 1.2 और बाकी का आगे का एक्सरसाइज का वीडियोस बनाते रहूंगी। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस सारे आ जाएं। और ये शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो डैट वो लोग भी पढ़ पाएं। ओके, थैंक यू, बाय।